आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड का जो भूगोल है उसी का चैप्टर 2 है कृषि, जैसा कि आपको बगल में दिख रहा होगा। इसी के साथ हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, जो लगभग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के व्यू से लिया गया है, क्वेश्चन बैंक में से उठाया गया, जो काफ़ी हद तक पूछा गया हुआ और काफ़ी हद तक मेरा मानना है कि एग्जाम में भी पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए चैप्टर 2 है कृषि, तो इस कृषि के बारे में सबसे पहले देखिए निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है और इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं। तो अंडरलाइन करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं ये, और इसका यूज करते हैं थोड़ा कि अंडरलाइन हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, आपको आप पढ़े होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, अभी आपको यहाँ पर इसका अनुमान लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका बढ़िया नंबर है तो आप एग्जाम में बढ़िया नंबर से पास कर सकते हैं। तो गेहूँ, सरसों, चावल, मटर, तुम बताओ इसमें क्या होगा, गेहूँ, सरसों, चावल, मटर में क्या होगा, गेहूँ, यानी कि तुम्हारे अनुसार से ए नंबर ऑप्शन, देख लेते ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है चावल, यानी कि खरीफ फसल कौन होगा, चावल, चावल खरीफ फसल के अंदर गिनती किया जाता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार, डी उत्तराखंड, इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, डी नंबर तुम्हारे अनुसार से, इसका आंसर देखिए हमारे सामने ए है, यानी कि हरियाणा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो हरियाणा, अभी ऑब्जेक्टिव पर कमांड करना होगा। तो इसके साथ साथ आपको इस वीडियो को देखिए, इसका आंसर आप अनुमान कीजिए, यहाँ पर हम इसका आंसर भी शो नहीं किए हुए ताकि आप इसका आंसर देख करके बोरिंग फील हो। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, कौन कौन निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, धान, गेहूँ, केला, चाय, आपके पास समय है, आप इसका आंसर नीचे कॉमेंट करके दे सकते हैं, क्या होगा, धान, गेहूँ, केला, चाय, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर होगा बी नंबर, गेहूँ, एक्यूरेट है बी नंबर इसका आंसर, यानी कि रबी फसल कौन होगा इसमें से, गेहूँ। अगला है कि फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या है, उपयुक्त मौसम वाला यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर समय हो जाएगा, ठीक है, समय क्या है बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए, वर्धनकाल, हरित क्रांति, रोपण कृषि, कृषि, यानी फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला जो समय होता है वो समय क्या क्या कहलाता है उसके लिए, फसल के लिए, वर्धनकाल, हरित क्रांति, रोपण कृषि या कृषि, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ए नंबर होगा वर्धनकाल, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, वर्धनकाल कहते हैं, यानी वर्धनकाल में क्या होता है, फसल को बोते हैं, बढ़ता है और पकने के लिए उपयुक्त मौसम होता है, उस काल को हम वर्धनकाल कहते हैं। चलिए इनमें से कौन सी फसल, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार आप देख सकते हैं, दाल, मोटे अनाज, ज्वार या तिल, दाल मतलब दालें दिया हुआ है, तो कौन सी फसल, यानी कि इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार आप देख सकते हैं, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन ऑप्शन होगा, चलिए इसका आंसर नंबर होगा दाल, यानी कि ए, दालें जो होता है फलीदार फसल होता है। आप लोग अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी, ग्रहण कृषि, आपके पास चार ऑप्शन है, आप देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आप टिक कीजिए, आप अपने मन में सोचिए, इसका आंसर हम आपको बताएंगे, आप बताइए क्या होगा, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बी नंबर है रोपण कृषि होगा, इसका आंसर क्या होगा, रोपण कृषि। चलिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, सौ यहाँ पर आ गया है, ठीक है, सहायता देने के लिए करती है, अधिकतम सहायता मूल्य, मध्य सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, चलिए इसका आंसर नहीं है, ये करेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, न्यूनतम सहायता मूल्य देता है, क्योंकि पूरा तो हम देंगे नहीं, न्यूनतम से न्यूनतम देता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, केरल, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जैसे बिहार में क्या है कि लीची प्रदेश किसे कहा जाता है, मुजफ्फरपुर को, ठीक है, केला प्रदेश हाजीपुर को, उसी तरह से भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, केरल, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, चार ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ए नंबर होगा केरल, केरल जो होता है भारत का नारियल प्रदेश उसे कहा जाता है। अगला है कि हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, हरी चाय आप देख रहे हैं कि हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हरी चाय के लिए असम होता है, चलिए इसका आंसर नंबर होगा
असम कह रहा है लेकिन हरी चाय यहाँ पर कह रहा है सीधे चाय के लिए तो ठीक है और वैसे भी रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिक्किम। हरा चाय जो होता है सबसे ज़्यादा फेमस कौन है वो सिक्किम करता है, सीधे चाय का उत्पादन जो होता है वो क्या करता है असम करता है, सिक्किम भी करता है लेकिन सिक्किम का यहाँ पर स्थान ज़्यादा है। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत, चीन, रूस, कनाडा। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, चीन, रूस, कनाडा। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं, ए नंबर ऑप्शन होगा भारत, ठीक है क्या होगा ए नंबर ऑप्शन इसका होगा भारत जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है, गेहूं, धान, गन्ना, कहवा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ए नंबर होगा गेहूं। हरित क्रांति की प्रमुख जो उपज होती है वो गेहूं कहलाती है, गेहूं। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बगल में आपको दिख रहा होगा आप इसका आंसर दे सकते हैं, पहला, दूसरा, चौथा। चलिए बताइए, इसमें तीन ही ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, दूसरा, ठीक है। चावल के उत्पादन में भारत में भारत जो है भारत का विश्व में दूसरा स्थान होता है। दाल किस पौष्टिक अंश का सार है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, क्षार, नहीं है। चलिए इसका देखिए, ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है, प्रोटीन का। दाल किस पौष्टिक अंश का सार है, तो प्रोटीन का, दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। महिलाएं सब जो महिलाएं मतलब होता है दूध जिसको महिलाएं के कम होती है तो उसको दाल खाने के लिए डॉक्टर प्रीफर करता है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि दाल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन खाने से महिलाएं की दूध बढ़ेगी और बच्चे को दूध सही तरीके से पिला सकेगी और बच्चा का जो प्रोटीन लेवल होगा वो नहीं घटेगा और बच्चा सही मात्रा में बढ़ेगा, सही से उसका दिमाग ग्रो होगा, तो प्रोटीन जो होता है डॉक्टर सब प्रीफर करता है। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान। चलिए इसका आंसर देख सकते हैं, बी नंबर, भारत जो है आम के उत्पादन में विश्व में सबसे ज़्यादा इसमें आम उगाया जाता है भारत में। अगला देखिए, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। चलिए इसका आंसर देखिए, सी नंबर होगा, कर्नाटक। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है, जूट, सीमेंट, उर्वरक, लोहा, इस्पात। चार ऑप्शन आपके पास है, आप इसका आंसर दे सकते हैं क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ए नंबर जूट, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्षा में दो से अधिक फसलें उगाई जाती है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाई जाती है, यहाँ पर 5%, 10%, 15%, 20%, ऐसे कौन से फसल है जो वर्ष में दो फसलें हैं जो ज़्यादा उगाया जाता है। इसमें आंसर देख सकते हैं, सी नंबर, 15%। चलिए, कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल क्या है, धान, चाय, कॉफ़ी, जूट। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा फसल कौन होता है, मुख्य रोपण फसल कौन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सी नंबर, कॉफ़ी होगा, कर्नाटक में कॉफ़ी। कौन से कर्नाटक, कौन से कॉफ़ी, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन राज्य कौन सा करता है, दक्षिण भारत में, हम लोग उत्तर भारत में, बिहार उत्तर भारत में पड़ता है, दक्षिण भारत हो गया, दक्षिण जानते हो साउथ का मूवी सब जो होता है वो, तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर ऑप्शन है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वहीं पर, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है, क्या होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, सी नंबर, भारत। भारत जो है फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, भारत में सबसे ज़्यादा मवेशी पालन किया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है, आप ये सब याद रखिएगा। किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। चलिए इसका आंसर देख सकते हैं, डी नंबर है, बिहार। किस प्रदेश में बाल जो होता है, बाल एक जीविका फसल है, तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार। खरीफ फसल किस किस महीने में काट ली जाती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। खरीफ फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, याद है, हाँ। चलिए डी नंबर ऑप्शन, नवंबर से दिसंबर में, जो अभी जो समय चल रहा है नवंबर दिसंबर, वो खरीफ फसल का समय है, ठीक है। चलिए, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। चलिए सी नंबर ऑप्शन, महाराष्ट्र, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम, सही सभी गलत है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ए नंबर ऑप्शन, जूट। भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य संलग्न है, एक चौथाई, दो तिहाई, एक तिहाई, तीन चौथाई।
चलिए बी नंबर ऑप्शन है दो तिहाई, ठीक है, क्या हो जाएगा दो तिहाई। ऑपरेशन प्लॉट योजना किस वर्ष आरंभ की गई, 50, 60, 70, 80 में, 1950, 60, 70, 80 में ऑपरेशन प्लॉट योजना। चलिए इसे यहाँ पर देखिए, ए नंबर ऑप्शन इसका होगा 1950 ईस्वी में। अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, यह एगो ऑप्शन तो उभरिए भाग गया, ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, मणिपुर, क्या होगा, इसको नीचे कर देते ना। चलिए इसका आंसर बताइए, बोलो, नहीं याद है, चलिए आंसर देख लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन मेघालय। अनानास उत्पादन में मेघालय सबसे ज्यादा अनानास का उत्पादन करता है भारत में। रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होता है, रेशम के कोकून से होना चाहिए, यहाँ पर के जगह से होना चाहिए, से क्या प्राप्त होता है, धागा, सुई, रेशम, इनमें से कोई नहीं, रेशम, सी नंबर ऑप्शन, रेशम के कोकून जो होता है उसे रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है, कृषि पर कितना प्रतिशत आय जो है डिपेंड है, कितना प्रतिशत, चलिए आंसर देख लेते हैं, नहीं मालूम है तो चलिए डी नंबर ऑप्शन 24%, यानी कि एक चौथाई भाग जो होता है आदमी सब, एक चौथाई भी हो सकता है, इसमें 24% दिया हुआ है, सॉरी एक चौथाई के आसपास में है, ठीक है, क्योंकि 25% एक चौथाई होता है, 24% आपको एक चौथाई भाग लगभग समझ सकते हैं। भारत में हरित क्रांति कब आई, 64, 65, 66, 67 64 में, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, सी नंबर ऑप्शन है 1966 इसका आंसर सही होगा। अगला देखिए, चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है, ठीक है, को होना की होना चाहिए, चलिए जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, स्थानांतरीय कृषि, इनमें से कोई नहीं, चलिए देखते हैं आंसर इसका, ए नंबर ऑप्शन होगा जीवन निर्वाह कृषि। जीवन चावल किस प्रकार की कृषि को उपज करती है, तो चावल जो होता है जीवन निर्वाह कृषि को उपज करती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है, किस फसल की खेती के लिए, धान, कहवा, गन्ना, रागी, चलिए इसका आंसर होगा बी कहवा, कहवा के लिए हमको चाहिए क्या, बालू भूमि चाहिए, जैसे अलुआ उलुआ होता है ना। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होता है, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कौन सी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में यूज किया जाता है, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ए नंबर मक्का। मक्का का क्या होता है कि तुम खाद के रूप में भी यूज कर सकते हो, उसको खिलाने के रूप में भी यूज कर सकते हो, चारा जो होता है, चारा का मतलब ये चारा नहीं चलने वाला, चारा मतलब भैंस बकरी को खिलाने वाला, इसमें मक्का का यूज कर सकते हो। कर्तन बहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है, मेघालय, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तमिलनाडु की गैलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की जाती है, तमिलनाडु की गैलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की जाती है, चाय एवं कॉफी, दलहन, कपास, तिलहन, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये नंबर चाय एवं कॉफी सही है, चाय एवं कॉफी, तमिलनाडु को गिलगिरी पहाड़ है, उस पहाड़ पर जो खेती की जाती है चाय एवं कॉफी की। दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहा गया, दूध में लाई गई क्रांति को, दूध के लिए लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहा गया, हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, इनमें से कोई नहीं, हाँ सी नंबर ऑप्शन सही है, हरित, सफ़ेद क्रांति, क्योंकि दूध जो होता है सफ़ेद होता है, इसीलिए इस क्रांति को सफ़ेद क्रांति कहा गया है। अगला है, समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है, समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम आता है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, देख लेते हैं आंसर इसका, ए नंबर केरल सही है, वेरी गुड। चलिए, गहन आजीविका कृषि किन किन क्षेत्रों में की जाती है, गहन आजीविका कृषि किन किन क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है, जहाँ जनसंख्या का दबाव ना के मात्रा में होता है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ए नंबर, जहाँ भूमि पर जो होता है जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। दीपा, ओम, फाल्मू आदि किस कृषि के नाम है, दीपा, ओम, फाल्मू आदि किस कृषि के नाम है, वाणिज्य का, गहन आजीविका का, कर्तन दहन प्रणाली, सभी का, चलिए इसका आंसर होगा सी नंबर, कर्तन दहन प्रणाली का, वेरी गुड। अगला देख लेते हैं, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और नियता करता है, उत्पादक करता और नियता करता है, गेहूं, मक्का, तेलहन, चाय, आंसर अभी भी नहीं आया, बोलो, हैं, डी नंबर चाय का, चाय पर जाकर के ही टिक लगा था, नहीं, भारत जो है चाय का सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादन है। भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है, तंबाकू, जूट, कपास, रबर,
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, सी नंबर होगा। कपास के लिए भारत जो होता है कपास के लिए मूल स्थान माना जाता है। अगला, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? चीनी, ब्राजीलियन, अरेबिका, अमेरिकन। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, सी अरेबिका। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका। हम लोग जो कॉफ़ी की पीते हैं भारत में वो अरेबिका कॉफ़ी होता है। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। डी नंबर ऑप्शन, 10 महीना। ठीक है, गन्ने की फसल के तैयार होने में लगभग 10 महीना लगता है, यानी इस ठंडी में अभी रुपाएगा गन्ना तो फिर अगले ठंडी में ही कटाता है। इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेट उसे पहले तैयार हो जाता है, लेकिन 10 महीना, कम से कम 10 महीना में तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद तुम अपना काटो फाड़ो। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूँ, चावल, ज्वार, इनमें से कोई नहीं। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज है, चलिए इसका आंसर देख लेते, सी नंबर, ज्वार। ज्वार जो है मोटा अनाज कहा जाता है। भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। चावल, चलिए देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर है गेहूं। गेहूं ऑप्शन इसका। रबी की फसल को कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में। रबी फसल कब बोई जाती है? सी नंबर ऑप्शन, शीत ऋतु में। सही होगा, शीत ऋतु में रबी फसल को बोई जाती है। जूट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? अग्रणी है बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। हैं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, सी नंबर है असम। बिहार जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? असम। गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? चावल, गेहूं, ज्वार, महुआ। चलिए देख लेते हैं आंसर, इसका बी नंबर गेहूं। सही है, वेरी गुड। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा सी गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा मूंगफली होता है, जो आप बादाम कहते हैं ना, बादाम, वही होता है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, डी नंबर है पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा धान होता है, अरे कदम पंजाब में सब आदमी जाता है धान काटने, ना पंजाब दिल्ली ना देखता धान काटने जाता है। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? रबी, खरीफ, अग्रणी, जायद। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, अगानी, जायद। चलिए इसका आंसर आप लोगों को नहीं मालूम है, इसका बता देते हैं, इसका आंसर है बी नंबर। बी नंबर कहाँ गया? खरीफ। खरीफ इसका आंसर होगा, खरीफ। वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ कहते हैं, वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ कहते हैं। आप लोग नहीं जानते, जिसका आंसर आपको मालूम है, आप नहीं भी जानते तो नीचे कमेंट करिएगा ना, तो आपको आंसर उसका याद रह जाएगा, इसलिए लिखिए आप कमेंट में जो भी आंसर आपको आता है उसका लिखिए आंसर। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर मथुरा, गोरखपुर देवगढ़, गोरखपुर देवरिया, भटनी देवरिया। भटनी देवरिया, सी नंबर, कन्फ्यूजन मत करो, करो गोरखपुर देवरिया। भारत के क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? क्यूबा जो होता है वो गोरखपुर देवरिया को क्यूबा कहा जाता है। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर, तीसी कल्चर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ए नंबर होगा, सेरीकल्चर। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा को पालते हैं, उसका कीड़ा को निकाल करके रेशम बनाते हैं, वो पालन कहलाता है सेरीकल्चर। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? उद्योग, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खनन। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? उद्योग, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खनन। क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग, हम रुके हुए हैं। चलिए अब टाइम हो गया नहीं, चलिए इसका आंसर देखा जाए, तुम्हारे हिसाब से कृषि होना चाहिए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, चलिए इसका आंसर देखा देते हैं, नहीं अगला वीडियो के इंतजार में बच्चा सब रो देगा। बी कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है? कृषि। कृषि पर 24% जो है भारत की आय जो है उस पर टिकी हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो आप इस तरह का देखना चाहते हैं अगले चैप्टर का, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप है वहाँ पर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें।